250 में सूट है, 250 में कितने में अंकल? हाउ मेनी चार्जेस? फ्री है? कमेंट करके बताओ व्हाइट ज्यादा अच्छी लगती है ब्लैक? दोनों है एक फ्रेम में, व्हाइट या ब्लैक? ओ भाई की गॉड, ओए छोड़ तो नहीं काजी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। और आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ही जल्दी जल्दी में स्टार्ट हो रहा है, हमेशा की तरह। कभी भी मेरा व्लॉग जो है ना तसल्ली में स्टार्ट नहीं होता। तो आज का व्लॉग जो होने वाला है, जैसा आपको हर दफे पता है कि तुम्हारे भाई का कोई स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं आता, हम घर से निकल जाते हैं और जैसा होता है हम आपको दिखा देते हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही प्लान है, हम लोग घर से निकल चुके हैं। बाकी फिलहाल आज का प्लान ये है कि हम गाड़ी की सर्विस कराएंगे दशहरे की। वैसे ना जाम बहुत ज्यादा है, मतलब हम ना कहाँ कहाँ से निकल के यहाँ आए, पहले इसको धुलवाते वगैरह हैं और फिर उसके बाद का सीन देखते हैं क्या होता है। एंड आज हमें जो है आई थिंक उत्तराखंड भी जाना पड़ सकता है, तो वो भी देखते हैं, रात को पता लग जाएगा। व्लॉग को पूरा देखना, आज पूरे शहर में काफी ज्यादा जाम है। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, उनको ढूंढेंगे न जाने हम कहां होंगे। A few moments later, फिलहाल हो रही है धुलाई। कहती हुंदी सी जान पकड़ा बना दे, फाइनली गाड़ी धुल चुकी है और काफी देर में धुली, मतलब 2 घंटे हो गए हमें यहीं पे, तब जाए गाड़ी धुली हमारी। अब आगे का सीन देखते हैं क्या होता है। ब्लैक एंड व्हाइट स्कॉर्पियो साथ साथ, कमेंट करके बताओ व्हाइट ज्यादा अच्छी लगती है ब्लैक? दोनों है एक फ्रेम में, व्हाइट या ब्लैक? कौन सी पसंद है तुम्हें, व्हाइट या ब्लैक स्कॉर्पियो? ब्लैक। इन्हें दोनों चला रखी है, व्हाइट भी और ब्लैक भी, दोनों थी भाई पे, तो इन्हें तो जो है ज्यादा ब्लैक पसंद। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कौन सा कलर पसंद है ज्यादा, व्हाइट स्कॉर्पियो पसंद है या ब्लैक स्कॉर्पियो पसंद है? मुझे तो भाई ब्लैक पसंद है, क्योंकि ब्लैक का जो लुक आता है ना, बिल्कुल सामने से एकदम जो चीज आए ना, अलग ही लुक पड़ता है ब्लैक का। उसके बाद जाना है हमें एक गाँव में किसी से मिलने, उन भाई से मिलेंगे और फिर उसके बाद गाड़ी को सर्विस सेंटर खड़ी करेंगे और फिर अपना घर आ जाएंगे। स्कूटर रिएक्शन जो आता है ना वो अलग ही आता है, मतलब अगर हम कहीं भीड़ में स्कूटर रिएक्शन बजा रहे हैं, स्कूटर बजा रहे हैं ना, तो एकदम पब्लिक घूम के देखती है कि ये क्या जा रहा है। अब जैसे हम यहाँ बजा रहे हैं, देखो अब रिएक्शन देखना तुम। रिएक्शन चेक करो, जब तक साइड नहीं होगा ऐसे देखता रहेगा। ये आता है स्कूटर बजाने में मजा, आपको एक चीज पता है, हमारे शहर से जो है ना पहाड़ दिखते हैं। हमारे यहाँ से केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत ही करीब है, मतलब ऐसे कि जैसे ये गाड़ी चल रही है ना आगे, ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ से इतना ही हो। जैसे हम हाईवे पे चढ़ेंगे ना, एकदम सामने से ऐसी फीलिंग आएगी कि पहाड़ आ गए हो। अब देखना, जैसे हम हाईवे पे टच करेंगे ना, एकदम ऐसे लगेगा। और ये मोमचे की चढ़ाई बना रखी है, ये देखो जाम लगा हुआ है भाई। आज तो हाईवे पे भी कुछ ना कुछ तो सीन है, कल तो हमारे यहाँ रैली थी, कल भी काफी जाम था और आज भी देखो। गाइस लेडी ड्राइवर का ना कोई यकीन मत करे, इन्होंने अभी आंटी जो गाड़ी जा रही है ना आगे, मतलब बीच रोड पे ब्रेक मार दी है, पता नहीं किस हिसाब से गाड़ी चलाती है। तो लेडी ड्राइवर का कभी यकीन मत करो, क्या सीन है अभी पीछे जो है एकदम इन्होंने पता क्या करा, एकदम इमरजेंसी ब्रेक मार दिए और हमारी गाड़ी जो है ना चलते चलते हमने भी एकदम ब्रेक मारी, पीछे वाले हॉर्न देने लगे। कुछ भरोसा ना करो लेडी ड्राइवर का, तो भाई लड़कियां जो है ना ब्रेक नहीं मारती, पैरों से रोकना चाहती हैं अपने वाहन। ऐसे ही है ना भाई, मतलब लड़के ज्यादातर सोचते हैं कि हमें यहाँ भी ब्रेक ना मारने पड़े, पैरों से गाड़ी रुक जाए। जैसे स्कूटर रोक लेती है वे, ऐसी सोचते हैं गाड़ी पैरों से रुक जाए। अब इन्होंने ये सोच के ब्रेक मारे कि गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन वो गाड़ी किसी जूस वाले को लेके चली जाती आगे। जल्दी यहाँ से हटो, हम लगवा दिया। ये कैसा कैसे रिक्शे वाले हो तुम, जाम को इस रिक्शे में 2 पंखड़िया लगाओ। भाई को देखो इन्हें, देखो यहाँ बिक रहे हैं केले और सेब, वाह क्या मंगल बाजार है, यहाँ सेब और अमरूद बिक रहे हैं यार, देखो
यहाँ बिक रहे हैं क्या केक? ये देखिए यहाँ केक मिल रहा है। मंगल बाजार में आओ, केक लो, अमरूद लो, सेब लो। जस्ट किडिंग गाइस, मैं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ से आप हगीज ले सकते हो बच्चों के लिए। यहाँ हगीज मिल रहे हैं और यहाँ कपड़ा मिल रहा है। और ये रिक्शे वाले सवारी ढूंढ रहे हैं। सवारी नहीं मिल रही अंकल, पीछे सवारी ले लो, पीछे सवारी खड़ी है, सवारी ले लो, चलते रहो। आप भी रोक रहे हो। 250 में सूट है, 250 में। कितने में अंकल, कितने में? हाउ मेनी चार्जेस? फ्री है। ओके अंकल, थैंक यू। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओ भाई की गॉड, ओए बोल, चोट पर लगी काजी। अपने चीख मार दी। जस्ट किडिंग गाइस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मजाक कर रहा था। ये चाचा जा रहे हैं काला कुर्ता पजामा पहनकर। चाचा को सलाम। ये नान बन रहे हैं, भूख लग रही है, घर जाकर खाएंगे। ये समोसा भी नहीं, सरस बिक रहा है। यहाँ समोसों की तैयारी चल रही है। जस्ट किडिंग गाइस, भाई का तेल खत्म हो गया है। जस्ट किडिंग गाइस, आंटी की शॉपिंग पूरी हो गई है। मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी करो। तो फिलहाल गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। और आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि भाई काफ़ी मेहनत हो गई, काफ़ी मस्ती मजाक हो गई। हमारा कोई स्क्रिप्टेड प्लान नहीं था ऐसा कि हम यहाँ कोई मार्केट में जाके ऐसा सीन करेंगे, लेकिन चलते चलते ऐसे हमने गाड़ी खड़ी करी। और गाड़ी खड़ी करके हम जैसे ही रिक्शे में आ रहे थे, मैंने सोचा कि उन्हें मस्ती मजाक किया जाए, तो तुम्हारे भाई ने थोड़ा सा मस्ती की जाए। फाइनली वैसे आप इस चीज़ को दिल पे मत लेना। एंड आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी भी नहीं लगी हो तब भी आपको लाइक करना है। भाई मेरा गला बैठ गया है चीख चीख कर। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसे नए वीडियो में। इतने टाटा।